हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं रेल पथ मास्टर चैनल। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है LWR, CWR, SWR। इससे आज हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे। दोस्तों, ये हर एक एग्ज़ाम के लिए, LDC एग्ज़ाम में 7 से 8 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उल्टा के देख लीजिए, ये LWR, CWR, SWR से कितना सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं और इजी भी क्वेश्चन रहते हैं। ये एक नए टॉपिक के साथ मैं लेके आया हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि भारत के जितने भी जोन या डिवीज़न में जेई पोस्ट का ज़रूरत होते हैं, उसके 20% LEC कोटा से सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के इम्प्लाज के लिए होते हैं। ट्रैकमैन चाहे 1800, 1900, 2400, 2800 कोई भी ग्रेड पे का हो, वो डायरेक्ट 4200 ग्रेड पर LDC एग्ज़ाम जेई को रिटर्न करके जा सकते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, जेई का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, यहाँ पे पूरे सिलेबस को कवर कराए जा रहे हैं, और चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, मैनुअल हो, और विभिन्न सारे मेरे पास मटेरियल्स है, वो पूरे मटेरियल्स मैं कराऊँगा। तो आप अगर पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करें, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं। कहते हैं, एक LWR CWR में दो अलग अलग रेल सेक्शन के लिए डैश है। देखिए, एक LWR है, एक CWR है, दो रेल अलग अलग सेक्शन में हो सकता है क्या? LWR और CWR दोनों अलग रेल सेक्शन के लिए अनुमति है क्या? तो ये अनुमति नहीं होगा। एक LWR होगा, एक CWR है, तो दो अलग अलग रेल सेक्शन के लिए अनुमति नहीं होगा, क्योंकि LWR CWR दोनों मिला के भी एक हमारे नए ट्रैक की संरचना बनाते हैं। इसलिए ये पे क्या होगा, अनुमति नहीं होगा। बी नंबर इसके उत्तर सही हो जाएंगे। फिर कहते हैं कि LWR में उपयोग किए जाने वाले न्यूनतम रेल सेक्शन क्या होगा। देखिए, इसमें न्यूनतम रेल सेक्शन यहाँ पे पूछा गया, ये चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, न्यूनतम और अधिकतम, एक 52 होता है, एक 60 होता है, तो यहाँ पे न्यूनतम पूछा गया है, तो 52 किलो जो है इसका सी नंबर उत्तर सही हो जाएंगे। फिर यहाँ पे कहते हैं कि क्या एक वेल्डेड रेल है जिसका केंद्रीय भाग तापमान विभिन्नता के कारण किसी लंबा संचलन से नहीं गुजरता है। तो जानते हैं कि आप जब लंबा संचलन से नहीं गुजरता है, उसको क्या कहते हैं, उसको SWR कहते हैं, यानी सी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा, SW। याद रखिएगा कि अगर आपको दिया जाए LWR, CWR और SWR, और उसमें कहे कि लंबा संचलन से जो है नहीं गुजरता है, तो लंबा संचलन से नहीं गुजरता है, यहाँ पे देखिए नहीं, तो यहाँ पे देखिए LWR का फुल फॉर्म आप सब देखिए, ये मतलब बी नंबर। तो बी नंबर पे क्या होता है, LWR यानी लॉन्ग वेल्डेड रेल होता है, ये तो लंबत हो ही गया ना, यहाँ पे नहीं बोल रहा है कि लंबत नहीं है, तो SWR का फुल फॉर्म क्या होता है, शॉर्ट वेल्डेड रेल होता है ना, तो इसीलिए सी नंबर, यहाँ पे SWR होता है, यहाँ पे देखिए SWR है, यहाँ पे नहीं, SWUP क्या तो लिखा है, SWUP छोड़िए, लेकिन ये जो है सी नंबर उसका SWP है, ये SWP है। तो ये सी नंबर इसका उत्तर सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फिर यार, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि LWR का अर्थ है, LWR का अर्थ क्या है। तो ये देखिए, यहाँ पे लॉन्ग वेल्डेड अर्थ होते हैं, लॉन्ग वेल्डेड रेल, तो यहाँ पे लंबा वेल्डेड रेल, यानी इसका जो है बी नंबर उत्तर सही होंगे। फिर कहता है कि एक LWR की ब्रीथिंग लंबाई डैश के संचलन को प्रदर्शित करता है। तो ब्रीथिंग लंबाई, LWR का जो ब्रीथिंग लंबाई है वो किसको प्रदर्शित करता है, तो रेल स्लीपर फ्रेम जो है, एक ए नंबर उत्तर सही होगा। फिर कहता है कि LWR CWR के लिए अनुमत ढलान क्या है। LWR CWR के लिए अनुमत ढलान ये पूछा गया है, यहाँ पे ढलान के बात किए गए हैं। तो LWR CWR के जो ढलान होते हैं 100 में एक होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि गर्मियों के दौरान LWR पर गिट्टी की कमी के परिणाम स्वरूप डैश हो सकता है। अगर गर्मी का दिन है और LWR पे अगर गिट्टी का कमी है, तो क्या हो सकता है, गर्मी के दिन में गिट्टी की कमी के कारण क्या होता है। अगर LWR का रेल है, तो वहाँ पे बकलिंग होने की संभावना होते हैं, गिट्टी कमी से क्या होते हैं, बकलिंग की संभावना, इसलिए बी नंबर उत्तर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जोन 2 में 52 किलोमीटर
और भारी रेल सेक्शन के लिए संकटपूर्ण तापमान की सीमा क्या होती है? देखिए यहाँ पे जोन 2 और 52 किलो रेल दिया है, संकट तापमान कौन सा होता है, संकटपूर्ण तापमान के बात किए गए हैं, तो संकट जो है जिससे कि भारी संख्या हो जाएगा, तो बी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। इसको संकट तापमान बोलता है, TM2, TM+5, इसको संकट तापमान बोलते हैं। याद रखिएगा, संकट तापमान अगर जोन 2 का 52 किलो का रेल है तो संकट तापमान क्या है, तापमान वो TM2, TM+5 हो जाएगा। फिर पता है कि गिट्टी की भरपाई डैश से पूरी कर ली जाए, गिट्टी की भरपाई किससे पूरी की जाती है, कब पूरी की जाती है, यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार देखिए, गर्मी, सर्दी, वर्षा। तो जब गिट्टी के, देखिए गिट्टी गर्मी के दिन में क्या होते हैं ना, रेल क्या है फैलते हैं, तो वहाँ पे क्या है गिट्टी को जो है कमी हो जाते हैं, तो वहाँ पे अगर गिट्टी की कमी रहेगी तो क्या हो जाएगा, रेल बकलिंग होने की संभावना रहेगा, क्योंकि वो फैलते हैं, तो इसलिए गिट्टी ज़्यादा रहेगा तो क्या है वहाँ पे फैलने की संभावना, उसको दबाव प्रेशर पड़े रहेगा तो वो क्या है कम होगा। इसलिए गर्मी के महीने में गिट्टी की भरपाई गर्मी से पहले पूरी कर लेनी चाहिए, गर्मी से आने से पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी दिन भी रेल टेम्परेचर हाई या लो हो सकता है, इसीलिए गर्मी के दिन में गिट्टी की भरपाई होते हैं। फिर देखिए यहाँ पे कहते हैं ये क्वेश्चन कि SAG के दोनों ओर अलग अलग रेल सेक्शन वाले कंक्रीट स्लीपर पर रखे गए LWR के साथ SCJ के साथ RDSO के आरेख 52 किलोग्राम 60 किलोग्राम का प्रावधान किया जाएगा। तो इसका जो है यहाँ पे RDSO पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पे क्या पूछे गए हैं, फिर से देखिए, एस रेल सेक्शन में कंक्रीट स्लीपर के SWR के लिए, SCJ के लिए RDSO आरेख संख्या पूछा गया, ये चीज़ पे ध्यान देना है, RDSO आरेख संख्या। तो बताइए कि इसका RDSO आरेख संख्या क्या होगा, तो इसका आर डी को टी, जिसका आर होगा टी और 67-82, T67-82, आप लोग को ये चीज़ याद रखना है कि T67-82, अगर 52 किलो रहे 60 किलो रहे कोई भी दिक्कत नहीं है, इसके RDSO आरेख संख्या जो होता है 67-82, आप लोग याद रखिएगा, 67-82 ये चीज़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहते हैं कि तापमान 1, 2 और 3 में सभी रेल सेक्शन के लिए संकटपूर्ण तापमान की सीमा डैश होती है। तो यहाँ पे देखिए तापमान 1 से लेकर 3 के लिए संकट संकट तापमान कौन सा है, संकट तापमान यहाँ पे पूछा गया है। तो जैसे कि पहले हम लोग पढ़ सकेंगे, संकट तापमान जो होते हैं वो क्या होता है, TM से TM+5 जो है इसको संकट तापमान बोलते हैं, तो बी नंबर उत्तर सही होगा, यहाँ पे +5 ऐड कर दीजिए तो ये क्या होएगा, संकट तापमान। तो TM से TM+5 को क्या बोलते हैं, संकट तापमान बोलते हैं। फिर कहता है कि विभिन्न प्रकार के थर्मामीटर में रेल तापमान को मापने के लिए सबसे विश्वसनीय और त्वरित उपकरण कौन सा है। देखिए सबसे विश्वसनीय क्या है, रेल तापमान को मापने के लिए, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, रेल तापमान को मापने के लिए, तो रेल तापमान मापने के लिए जो थर्मामीटर है वो कौन सा थर्मामीटर सबसे अच्छा होते हैं, यहाँ पे थर्मामीटर की बात की तो डायल टाइप थर्मामीटर जो है सी नंबर उत्तर इसका सही हो जाएंगे। फिर कहता है कि LWR, CWR, CWR में नियमित ट्रैक रखरखाव का कार्य घंटों तक ही सीमित रहेगा जब रेल का तापमान डैश के बीच होगा और गर्मियों के आरंभ होने से पहले पूरा किया जाएगा। देखिए LWR, CWR के नियमित रखरखाव कार्य घंटों तक ही सीमित रहेगा, और जब रेल तापमान के बीच गर्मी में आरंभ होने वाली, देखिए गर्मी यहाँ पे गर्मी पकड़ना है, गर्मी तो गर्मी के लिए जो तापमान होना चाहिए वो कौन सा तापमान होना चाहिए, यहाँ पे ये पे क्वेश्चन, तो TD+10 से जो है ये नंबर उत्तर सही हो जाएगा, TD+10 से TD-30 जो है ये गर्मियों में पूरा होने वाले रहेगा, इसमें नियमित टक टक हो, देखिए ये हो जाएगा इसका उत्तर, ये नंबर इसका उत्तर सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, यदि रख रखाव संचालन के बाद रेल तापमान समेकन की अवधि के दौरान TD+20 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो डैश किलोमीटर प्रति घंटा गति का प्रतिबंध लगाया जाएगा। अगर देखिए रेल तापमान जो है वो TD+20 डिग्री से अधिक हो जाता है तब कितना किलोमीटर प्रति घंटा गाड़ी चलेगी, इन्होंने ये क्वेश्चन में कहा है, तो वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा इसका ये नंबर इसका उत्तर सही हो जाएंगे। फिर कहते हैं कि यदि रेल तापमान की सीमा डैश के अंदर होती है तो कटिंग या अस्थायी तनाव के बिना गहरी स्क्रीनिंग की जा सकती है। यदि रेल तापमान की सीमा कितना होने के अंदर कटिंग और अस्थायी तनाव पर गहरी स्क्रीनिंग,
कटिंग में गहरी स्क्रीनिंग कितने डिग्री तापमान पे किया जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ये जो है कितने डिग्री पे किया जाएगा ये पे पूछा गया है, तो ये नंबर ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। TD+10 डिग्री से TD-20 डिग्री सेल्सियस पे अगर यहाँ पे कटिंग या अस्थायी तनाव के गहरी स्क्रीनिंग जो है कर सकते हैं, रेल तापमान जो है TD+10 डिग्री से TD-20 डिग्री रहे तो गहरी स्क्रीनिंग कर सकते हैं। याद रखिएगा कटिंग के लिए स्क्रीनिंग का जो तापमान का रेंज होता है TD+10 डिग्री से TD-20 डिग्री सेल्सियस से सही होती है। LWR CWR क्षेत्र में स्थित समपार डैश के अंतर्गत नहीं आते हैं। देखिए LWR CWR क्षेत्र के लिए स्थित समपार किसके लिए नहीं आते हैं, तो बताइए यहाँ ब्रीथिंग लेंथ इसका सही उत्तर होते हैं। ब्रीथिंग लेंथ में जो अगर ब्रीथिंग लेंथ है तो वहाँ तो LWR CWR में स्थित समपार के अंतर्गत नहीं आना चाहिए। समपार के अंतर्गत क्या नहीं आना चाहिए, ब्रीथिंग लेंथ नहीं आना चाहिए। याद रखिएगा गेट के अंदर LWR CWR का ब्रीथिंग लेंथ नहीं आना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं पुल पर डैश बंधक सिंगल स्पैन जो कि 30.5 मीटर से अधिक ना हो और स्लाइडिंग बेयरिंग वाले हो लगाए जाते हैं, तो ये क्वेश्चन इन्होंने बोल रहा है, तो इसका रेल फ्री इसका सही उत्तर होते हैं। फिर कहते हैं कि एसएजी कर्व के लिए डैश पर स्थित नहीं होना चाहिए। एसएजी ट्रांजिशन भाग पे जो है स्थित नहीं होना चाहिए। एसएजी कहाँ स्थित नहीं होना चाहिए, ट्रांजिशन भाग पर स्थित नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि 52 किलो और 60 किलो रेल सेक्शन के लिए LWR CWR के लिए डिस्टेसिंग के समय एसएजी पर गैप को समायोजित किया जाएगा। देखिए 52 किलो और 60 किलो रेल सेक्शन के लिए LWR CWR के डिस्टेसिंग के समय एसएजी पर गैप, डिस्टेसिंग के समय एसएजी पर गैप कितना होना चाहिए, यहाँ पे गैप की बात कहे गए हैं। देखिए यहाँ पे गैप की बात कहेंगे तो 40 mm जो है इसका सही उत्तर होते हैं। एसएजी पे जो गैप होते हैं वो 40 mm होते हैं डिस्टेसिंग के समय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर यहाँ पे कहते हैं कि LWR में गैप सर्वेक्षण समायोजित सामान्य रूप से किस महीने के अंत से पहले किया जाना चाहिए, तो यहाँ पे ये कहा गया है महीने पूछा गया है कब करना चाहिए वो पूछा गया है। तो LWR में गैप सर्वेक्षण, यहाँ पे देखिए गैप का सर्वेक्षण ये बात पे ध्यान देना है, गैप के सर्वेक्षण तो ये देखिए सी नंबर ऑप्शन कुछ नहीं है, तो ये जो है फरवरी में किया जाता है। फरवरी में किया जाता है बिफोर ऑनसेट ऑफ समर इन फरवरी, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी फरवरी के पहले। फिर कहता है कि टेंसर द्वारा डिस्टेंसिंग का सहारा कब लेना चाहिए, टेंसर द्वारा डिस्टेंसिंग का सहारा कब लेना चाहिए, तो इसमें भी देखिए ऑप्शन नहीं है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा प्रेवलिंग टेम्परेचर माइनस TD, प्रेवलिंग टेम्परेचर TD से जब कम होता है तब लिया जाता है। फिर यहाँ पे कहते हैं यदि तापमान TD+20 डिग्री से अधिक हो जाता है तो गर्मियों गर्म मौसम की गश्त शुरू की जाती है। अगर तापमान देखिए यहाँ पे कितना से अधिक हो जाना चाहिए, यदि तापमान TD+20 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो गर्मी में गश्त की शुरू की जा सकती है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये समझिए, अगर तापमान इससे अधिक हो जाता है TD+20, तो इसमें गर्म मौसम का गश्त देने का जो अधिकारी कौन होते हैं तो वो गैंग मेट होते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, अगर तापमान TD से 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो गर्म मौसम में गश्त शुरू की जा सकती है, वो मेट कर सकते हैं इसको। फिर कहता है कि LWR वाले यार्ड में रेल पथ सर्कुलेटिंग के लिए LWR वाले यार्ड में रेल पथ सर्कुलेटिंग के लिए डैश का उपयोग किया जाता है, तो देखिए यहाँ पे यार्ड के लिए पूछा गया है, तो यार्ड में LWR यार्ड में रेल सर्कुलेटिंग के लिए क्या यार्ड, यहाँ पे देखिए यही चीज़ याद रखिए यार्ड, तो यार्ड में जो है ये बी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा, G3L प्रकार के ग्लूट जोड़, G3L प्रकार के ग्रोड जोड़ इसका सही उत्तर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं LWR CWR में निम्नलिखित स्थानों पर रेल पथ के
अनुरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाए। 406 नंबर का, तो उपरोक्त में सभी इसका उत्तर हो जाएंगे। अब कैसे हो जाएंगे, देखिए LWR CWR है तो रेल पथ अनुरक्षण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। SHG ब्रीथिंग लेंथ और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर्व, संपार पॉइंट और क्रॉसिंग तथा गैर ब्लास्ट डेक ब्रिज सभी, तो ये इंपॉर्टेंट सभी सही है, सही उत्तर हो जाएगा। कहते तो जॉन 2, 3 और 4 में कर्व पर LWR CWR को 10 डिग्री से अधिक शार्प नहीं रखा जाए, पारा नंबर 326 में दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे 4 डिग्री इसका सही उत्तर हो जाएंगे। जॉन कौन कौन सा है, जॉन 2, 3, 4 के लिए कर पर LWR CWR 4 डिग्री से अधिक सार पर नहीं रखा जा सकता है। देखिए यहाँ पे किसका दिया गया क्वेश्चन, बड़ा समझिए। अगर जॉन संख्या 2 से कंटिन्यू 4 तक रहे और क्या रहे, कर्व रहे, तो कर्व में 4 डिग्री से अधिक सार पर नहीं रखा जा सकता है, यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि SAG का निरीक्षण SSE या JEPV द्वारा एक बार किया जाता है। तो देखिए ये जो है 2 सबसे गर्म और 2 सबसे ठंडे महीने में प्रत्येक 15 दिन तथा शेष अवधि में 2 महीने में किया जाता है, यहाँ पे ये चीज़ रखिएगा, शेष अवधि में 2 महीने की, तो डी नंबर के उत्तर सही हो जाएंगे। आमतौर पर LWR और एंड आमतौर पर LWR पर मैनुअल रूप से पैकिंग के माध्यम से निष्पादन करते समय स्लीपरों को खोलना सीमित होगा, तो कितना स्लीपर LWR में आप खोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो उत्तर है डी नंबर, इसका उत्तर सही हो जाएंगे डी नंबर। क्या कहते हैं, LWR पर मैनुअल रूप से पैकिंग का निष्पादन करते हुए आमतौर पर केवल 30 स्लीपर को TD+10 डिग्री और TD में 30 डिग्री के तापमान के रेंज के भीतर खोलना चाहिए। अगर स्लीपर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि अगर स्लीपर खोलना रहे तो तापमान क्या होना चाहिए, तो TD+10 डिग्री और TD-30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे तापमान की बात हुई है तो बात कर लेते हैं, अगर गहरी स्क्रीनिंग किया जाए तो उसके लिए तापमान क्या आता है, TD+10 डिग्री से TD-20 डिग्री, यानी 10 और 20 ऐसे याद रखिएगा, TD+10 से TD-20। फिर अगर यहाँ पे बात किया जाए कि TD+25 डिग्री से तापमान अधिक हो जाता है तो वहाँ पे मेट क्या है, गश्त लगाने के आदेश दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि LWR में गैप सर्वेक्षण और एडजस्टमेंट साधारणता डैश में एक बार किया जाना चाहिए। LWR में गैप सर्वेक्षण, देखिए गैप सर्वेक्षण और एडजस्टमेंट ये कब करना चाहिए, कितने महीने में, कितने दिन में एक बार ये करना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो LWR में गैप सर्वेक्षण या एडजस्टमेंट जो है ये वर्ष में एक बार करना चाहिए, ये नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। फिर कहते हैं कि बकल ट्रैक के आपातकालीन मरम्मत में डैश शामिल है, बकल ट्रैक के आपातकालीन मरम्मत में, तो देखिए आपातकालीन मरम्मत में क्या है, तो यहाँ सी नंबर इसका उत्तर होगा, गैस कट और मूल अलाइनमेंट तक स्लिप करना, यानी सी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। फिर कहता है कि PSE स्लीपर पर LWR को 10 मीटर रेडियस से शार्प कर्व पर नहीं बिछाया जाना चाहिए। तो देखिए LWR स्लीपर पर LWR को 10 मीटर पर शार्प कर्व पर नहीं बिछाना चाहिए। देखिए PSE स्लीपर को कितने मीटर पर नहीं बिछाना चाहिए वो इस क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 440 मीटर पर, यानी PSE स्लीपर पर SWR को 440 मीटर शार्प रेडियस पे नहीं बिछाना चाहिए, इसका ये उत्तर हो जाएंगे। फिर कहता है कि क्रीप रिकॉर्ड करने से पहले 50 मीटर अंतराल पर रेफरेंस चिन्ह प्रदान किया जाना चाहिए, तो क्रीप को रिकॉर्ड करने से लिए कितना मीटर पे, 50 मीटर पर रेफरेंस चिन्ह का अंतराल क्या होता है, तो बी नंबर उत्तर सही हो जाएगा। क्रीप रिकॉर्ड करने के लिए रेफरेंस चिन्ह का अंतराल कितना होना चाहिए, 50 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि SAG पर गैप निम्नलिखित कारणों पर निर्भर करता है, तो SAG पर गैप कौन कौन से कारण पर निर्भर करता है, तो देखिए ये पे उपरोक्त में सभी इसका उत्तर हो जाएंगे। देखिए क्या क्या कहता है, रेल सेक्शन के एरिया, रेल स्टील के लिए मॉड्यूलस और इलास्टिसिटी, रेल स्टील के लिए लीनियर एक्सपेंशन का गुणांक का अल्फा गुणांक, ये सभी उसका उत्तर सही होते हैं। पारंपरिक SAG को ट्रांजिशन कर पर 10 डिग्री से अधिक शार्प नहीं रखना चाहिए, पारंपरिक SAG को ट्रांजिशन कर पर 10 डिग्री से अधिक शार्प पर नहीं रखा जाना चाहिए। तो देखिए 416 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा इसमें ट्रांजिशन पर SAG स्थित नहीं होना चाहिए, ये उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं पर्यवेक्षक के लिए निम्नतम अधिकृत स्तर के लिए LWR स्तर के अंतर्गत LWR अनुरक्षण के लिए योग्यता प्रमाण पत्र
डैश के द्वारा जारी किया जाता है, तो इसको DTC इसका फुल फॉर्म होता है, DTC। फिर कहता है कि PSC स्लीपर के अंतर्गत LWR में न्यूनतम ब्लास्ट कुशन क्या होते हैं, तो न्यूनतम ब्लास्ट कुशन जो होते हैं वो कितना होते हैं, 250 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि झलाई, लंबी झलाई वाले पटरियों LWR में BG पर डैश से अधिक झलाई की लंबाई होती है, तो देखिए ये 250 मीटर जो है इसका सही उत्तर हो जाएंगे। फिर कहते हैं कि समूह ए मार्गों के लिए LWR में ऊर्ध्वाधर वक्र की न्यूनतम रेडियस क्या होती है, तो ये जो 4000 मीटर जो है ये सही होता है, यहाँ पे ग्रुप ए मार्ग के लिए कहा गया है। समूह ए मार्गों के लिए LWR में ऊर्ध्वाधर कर्व की न्यूनतम त्रिज्या कितना होता है, 4000 मीटर इसका सही उत्तर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि LWR CWR ट्रैक के न्यूनतम स्लीपर घनत्व क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे LWR CWR के न्यूनतम स्लीपर घनत्व पूछे गए हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो 1540 जो है यहाँ पे न्यूनतम पूछा गया है, याद रखिएगा क्या पूछा गया है, न्यूनतम पूछा गया, इसलिए 1540 अधिक होगा, अगर अधिकतम पूछे तो 1660 होगा। फिर कहता है आपातकालीन मरम्मत के दौरान बकल हुए रेलों को अधिमानतः पर्याप्त रूप से 10 मीटर से कम गैस कट द्वारा अलग नहीं किया जाए, तो ये क्या होगा इसका उत्तर, तो ये एक सिंगल नहीं, आपातकालीन मरम्मत के दौरान बकल हुए रेल सेक्शन रेलों के अधिमानतः पर्याप्त रूप से 10 मीटर से कम गैस कट नहीं द्वारा अलग किया जाएगा, अगर आपातकालीन का समय है तो अगर गैस से कटिंग कर रहा है तो कितना मीटर आप कटिंग कीजिएगा, गैस कटिंग जो होता है वो कितना मीटर के होते हैं ये क्वेश्चन बोल रहा है, तो देखिए वो कम से कम यहाँ पे कम पूछा है कि अधिक पूछा है ये भी चीज़ आपको ध्यान देना है, तो देखिए आपातकालीन मरम्मत के बकल के अधिमानतः पर्याप्त रूप से 10 मीटर से कम, यानी इससे कम तो करना नहीं है, इससे अधिक हो सकता है, 6.5 इससे कम नहीं कट करने के लिए बताया, अगर गैस से अगर कब कट करते हैं तो 6.5 मीटर। ऐसे मामला जिसमें LWR या CWR को पॉइंट और क्रॉसिंग के माध्यम से लिया जाता है वहाँ डैश रिपोर्ट में CT 48 में निहित प्रावधान का पालन किया जाए, तो देखिए इसमें क्या प्रावधान होता है, तो RDSO प्रावधान होते हैं, याद रखिएगा। फिर कहते हैं कि PSC लेआउट पर पॉइंट और क्रॉसिंग में LWR को डैश प्रदान करते हुए अलग अलग किया जाना चाहिए, तो देखिए एक सिंगल रेल पैनल इसका सही उत्तर होना चाहिए, PSC लेआउट को पॉइंट और क्रॉसिंग से LWR से प्रदान करते हुए अलग, अगर अलग करना है पॉइंट क्रॉसिंग से तो क्या, तो एक सिंगल रेल होना चाहिए, एक सिंगल रेल होना ही चाहिए तभी ये अलग होगा, याद रखिएगा एक क्या इसका उत्तर होगा, एक सिंगल रेल पैनल जो होना चाहिए इसके लिए, एक सिंगल रेल, एक सिंगल रेल पैनल। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि बड़ी लाइन में LWR की साधारण लंबाई कितनी होती है, बड़ी लाइन में SWR की साधारणता लंबाई कितनी होती है, यहाँ पे SWR की बात कही गई है, तो देखिए 3 × 13 मीटर और 3 × 13 मीटर, ये 3 × 13 मीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहता है ब्रीथिंग की लंबाई निर्भर करती है, ब्रीथिंग की लंबाई किस पे निर्भर करती है, यहाँ पे ये चीज़ पूछा गया कि ब्रीथिंग की लंबाई किस पे निर्भर करती है, तो यहाँ पे सभी उत्तर हो जाएगा इसका, देखिए रेल की संरचना पर, ब्लास्ट प्रतिरोध पर, पटरी के तापमान पर, तो डी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। फिर कहता है कि पटरी के तापमान में मैप में ब्रैकेट के बाहर रीडिंग दर्शाता है, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर पूछा गया है, तो ब्रैकेट के बाहर जो है वो क्या दर्शाता है, तो तापमान का रेंज जो है इसका सही उत्तर होता है। LWR योजनाओं डैश के 36 पैमाने पर तैयार किए जाना ही चाहिए, LWR योजना डैश के 36 पैमाने पर तैयार किया जाना चाहिए, तो ये जो होता है 1 में 5000 होते हैं इसका सही उत्तर, योजना LWR की योजना होते हैं 1:5000, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि पुलों पर LWR की अनुमति देते समय SAG 120 mm और 190 mm से अधिकतम मूवमेंट के साथ को अबटमेंट से 10 मीटर की दूर पर स्थापित किया जाना चाहिए, तो देखिए ये जो उत्तर होता है 15 मीटर इसका सही उत्तर होते हैं, याद रखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पुलों पर LWR की अनुमति देते समय SAG 120 mm और 90 mm से अधिकतम मूवमेंट के साथ अबटमेंट पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे अबटमेंट 15 मीटर के दूर पर स्थापित किया जाना चाहिए। फिर कहते हैं संदर्भ स्तंभ को उसके
उद्देश्य के लिए संदर्भ चिन्ह डैश पर निर्धारित किया जाना चाहिए। ये निर्धारित क्या कैसे किया जाना चाहिए, तो प्रत्येक एसएजी और केंद्र पर। सी नंबर उत्तर सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि पटरी के फुट से आरंभ होकर पुल पहुंच तक ब्लास्ट का ढेर ढेर दोनों पहुंच पर 10 मीटर से लंबाई तक की जाती है। तो ये जो है देखिए पटरी के फुट से आरंभ होकर पुल के पहुंच ब्लास्ट ढेर कहाँ तक होना चाहिए, 50 मीटर तक होना चाहिए। 50 मीटर इसका सही उत्तर होगा। फिर कहते हैं एंकरों की लंबाई एले को सबसे कम डैश मूल्य पर और डिस्ट्रेसिंग किए जाने की संभावना है के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। तो ये जो है टीपी इसका सही उत्तर होते हैं। फिर कहते हैं कि यदि बेहतर एसएजी आरटी 6902 और आरटी 6914 और आरटी 6922 और आरटी 6930 को 2 डिग्री वक्र पर स्थापित किया जा सकता है, तो 2 डिग्री से अधिकतम और 4 डिग्री एसएजी को आरडीएसओ पर परामर्श डैश की स्वीकृति के साथ स्थापित किया जाना चाहिए। तो इसका जो पीसीई इसका सही उत्तर होते हैं। फिर यहाँ पे कहते विभिन्न अनिवार्य बिंदुओं जैसे कि डैश को ध्यान में रखते हुए एसएजी के सही स्थान तय किया जाना चाहिए। तो एसएजी को कहाँ पर ध्यान देना चाहिए, एसएजी जब बिछाते हैं तो किस किस बातों पे ध्यान देना चाहिए। तो इसमें देखिए यहाँ पे पुल नहीं होना चाहिए, वक्र नहीं होना चाहिए, संपार फाटक नहीं होना चाहिए। डी नंबर उत्तर सही हो जाएगा। एसएजी बिछाते समय ये सभी पे ध्यान, वक्र पुल पे भी नहीं होना चाहिए, वक्र पे भी नहीं होना चाहिए, संपार फाटक पर भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि 10 मीटर से अधिक लंबाई के लिए प्रत्येक वक्र अधिनियमता दोनों एसएजी के साथ स्पष्ट किया जाना चाहिए। तो 250 मीटर जो है इसका सही उत्तर होते हैं। फिर कहते हैं कि एल डब्ल्यू आर सी डब्ल्यू आर को डैश वक्र के माध्यम से जारी रखा जा सकता है। एल डब्ल्यू आर और एल डब्ल्यू आर सी डब्ल्यू आर के जो वक्र होते हैं इसको किसके द्वारा उसको जारी रखे जा सकते हैं, तो बताइए कि किसके द्वारा। तो ये जो है रिवर्स इसका सही उत्तर होते हैं, रिवर्स। फिर कहते हैं कि सीधे ढंग के ढंग और स्टॉक के साथ पारंपरिक एसएजी आरटी 4160 एंड आरटी 4165 डैश मीटर रेडियस के शार्प वक्र पर स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। तो इसका जो 3500 इसका सही उत्तर हो जाता है। फिर कहते हैं एल डब्ल्यू आर में फास्टनिंग का नवीकरण जिसके लिए रेल उठाना आवश्यक नहीं है को डैश में पर्यवेक्षक में किया जाना चाहिए। अगर उठाना नहीं है ये वाला ऑप्शन, यहाँ पे उठाना नहीं है और रेल उठाना आवश्यक है, ये दो चीज़ रहता है। अगर रेल उठाना नहीं वाला क्वेश्चन रहे तब इसमें की मैन होता है, तब इसमें क्या होता है की मैन होता है। अगर रेल उठाना आवश्यक है तब इसमें क्या होगा, तब इसमें मेट होगा, याद रखिएगा। अगर आवश्यक है तो मेट और नहीं है तो की मैन। मेट डैश में एक स्लीपर बदल सकता है, मेट डैश में कितना स्लीपर बदल सकते हैं ये बता रहा है। तो मेट जो है 30 स्लीपर इसका सही उत्तर है, मेट 30 में एक स्लीपर बदल सकते हैं। फिर कहते हैं कि एस डब्ल्यू आर के नियमित रेलपथ अनुरक्षण जैसे पैकिंग लिफ्टिंग आइलिंग कर्व का स्थानांतरण एडजस्टमेंट बिना प्रतिबिंब किए जा सकते हैं जब जोन 1 और 2 के मामले में पटरी का तापमान हो सके। अगर देखिए आपको पैकिंग करना है, लिफ्टिंग करना है, आइलिंग करना है, कर्व को बदलना है या एडजस्टमेंट करना है, तो ये सभी के लिए तापमान जो होता है TD प्लस 25 डिग्री सेल्सियस, TM प्लस 25 डिग्री सेल्सियस सही होते हैं ये सब काम करने के लिए, याद रखिएगा। फिर कहता है कि रेल पथ में क्रीप का कारण क्या होता है, तो रेल पथ में क्रीप का कारण देखिए फास्टनिंग का अपर्याप्त टो भार और स्लीपर के साथ पटरी को ठीक से सुरक्षित नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। खराब और अपर्याप्त ब्लास्ट और अन्य कारणों से स्लीपर के मूवमेंट को अपर्याप्त ब्लास्ट प्रतिरोध, ये भी सही है। अक्षम या बुरी तरह से अनुरक्षित रखे गए पटरी के जोड़, ये भी सही है, नहीं उपयुक्त में सभी इसका उत्तर सही हो जाएंगे। फिर यह कहते हैं कि एसएजी पर गैप निम्नलिखित कारण पर निर्भर करती है, तो ये जो है रेल सेक्शन के एरिया, ये भी सही है। रेल स्टील के लिए मॉड्यूल और इलास्टिसिटी, ये भी सही है। रेल स्टील के लिए लेनियर एक्सपेंशन का गुणांक अल्फा, ये भी डी नंबर उत्तर सभी इसका उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं विशेष रूप से निम्नलिखित स्थानों पर ब्लास्ट सेक्शन को ठीक से अनुरक्षित रखा जा सकता है, तो ये इसका जो उत्तर हो जाएगा उपरोक्त तो सभी इसका हो जाएंगे। पैदल यात्री और मवेशी क्रॉसिंग, संपार पर पहुँच मार्ग घुमाओ। कहते एल डब्ल्यू आर रेल पथ में प्रत्येक बफर पटरी के जोड़ से प्रदान किए जाने वाले प्रारंभिक गैप क्या होगा, तो प्रारंभिक गैप जो होता है उसको देखिए, याद रखिएगा प्रारंभिक गैप 7.5 होते हैं। फिर कहते हैं कि एस डब्ल्यू आर का एल डब्ल्यू आर के रूपांतरण में पटरियों की
प्रत्याशित शेष जीवन काल कम से कम कितने वर्ष होना चाहिए। देखिए एल डब्ल्यू आर सी डब्ल्यू आर का यहाँ पे जीवन काल कम से कम पूछे गए हैं, तो ये जो है 10 साल तो होता ही है, यहाँ पे कम से कम पूछे गए हैं। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि एल डब्ल्यू आर रेल पथ में मशीन टेम्पिंग करते समय कंक्रीट स्लीपर वाले रेल पथ पर सामान लिफ्टिंग की अनुमति। देखिए लिफ्टिंग जो है 50 mm होते हैं, लोबरिंग जो है 75 mm होते हैं, तो 50 mm इसका सही उत्तर हो जाएंगे। फिर कहते हैं कीमेन द्वारा एसीजी या ग्रेसिंग करना चाहिए। कीमेन एसीजी या ग्रेसिंग कितने दिन में करते हैं, वो 15 दिन में एक बार करते हैं। पाक्षिक इसका सही उत्तर हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब्सक्राइब करते हम उसी से खुश होते हैं, और आपको एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको कुछ घटने वाला नहीं है। प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मन में ऐसे भावना नहीं रखना चाहिए कि किसी का सब्सक्राइब करने से वो करोड़पति बन जाता है। दोस्तों यूट्यूब से कुछ भी इनकम नहीं होते हैं, इतना कम इसका व्यूज हो रहते हैं, इसीलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई इससे दिक्कत होने वाले नहीं है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन को। देखिए IRS डिजाइन SAG के सेंटर स्लीपर की दूरी -mm मानक की तुलना में -mm से अधिक भिन्न नहीं होना चाहिए, तो जो इसका देखिए उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग भी बताइए कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। थोड़ा सा समय देते हैं। तो ये सी नंबर इसका सही हो जाएगा, +-10 से 7, +-10 और 700। फिर कहते हैं कि भारतीय रेलवे के अंतर्गत एल डब्ल्यू आर की अधिकतम लंबाई डैश तक सीमित है। भारत रेलवे के अंतर्गत एल डब्ल्यू आर की अधिकतम लंबाई डैश है, तो भारत रेलवे के अंतर्गत अधिकतम जो होते हैं लंबाई ये कितने होते हैं, ये क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं। एल डब्ल्यू आर की अधिकतम लंबाई कितने होते हैं, तो ये जो देखिए होते हैं एक ब्लॉक सेक्शन, इसका सही उत्तर होते हैं एक ब्लॉक सेक्शन। फिर कहते हैं कि SAG को प्रारंभिक रूप से बिछाने के उपरांत संदर्भ पोस्ट की संदर्भ रेखा के चिन्हित करते समय संदर्भ रेल मेल खानी चाहिए, तो ये जो उत्तर होते हैं इसके में देखिए सी नंबर इसका ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो इसका इसका जो होता है हाल्फ ऑफ द थियोरिकल गैप एट द टाइम ऑफ लेइंग SAG, इसका सही उत्तर होते हैं। फिर कहते हैं कि संदर्भ चिन्ह जिसके द्वारा टोंग रेल टिप और स्टॉप रेल कॉर्नर के बीच गैप को विभिन्न रेल तापमान पर LWR CWR की ओर जुड़ा होते हैं, सैद्धांतिक सीमा -mm से अधिक नहीं होना चाहिए, तो ये कितना ये +-10 इसका सही उत्तर होते हैं। फिर कहते हैं कि यही कहते हैं कि LWR की डिस्टेंसिंग की जानी चाहिए जब उस स्थान पर स्थान की संख्या जहां अस्थायी मरम्मत की गई हो 10 किलोमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, तो ये जो है 3 किलोमीटर इसका सही उत्तर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि LWR में -mm से अधिक क्रीप की अनुमति नहीं होते हैं। क्रीप यहाँ पे पूछा है कि LWR में -mm से अधिक क्रीप की अनुमति नहीं होते हैं, तो 150 इसका सही उत्तर हो जाएंगे। फिर कहते हैं कि कम से कम कितने वर्षों की नियंत्रण अवधि के लिए अधिकतम और न्यूनतम रेल तापमान का पता लगाया जाना चाहिए, तो जो है 5 साल, तो 5 साल अधिकतम और न्यूनतम रेल तापमान का, 5 साल पीछे और 5 साल आगे दोनों का तापमान का पता लगाकर ही वो लोग कोई डिस्कस निकालते हैं। फिर कहते हैं कि परिस्थितियाँ जो कि बकलिंग को इंड्यूस्ड करती है, बकलिंग को जो इंड्यूस्ड करती है वो क्या होते हैं, इसमें देखिए विस्तार के लिए अपर्याप्त गैप समय पर क्रीप की मुकाबला करने वाले विफलता चिकनाई रहे, सभी सही है इसमें, यह ऑल जो है सही हो जाएगा, ऑल इसमें डी नंबर ऑप्शन नहीं दिया है लेकिन सही इसका उत्तर हो जाएगा। फिर कहते हैं कि LWR बनाने के लिए न्यूनतम रेल सेक्शन क्या होना चाहिए, LWR बनाने के लिए न्यूनतम रेल सेक्शन 52 होना चाहिए रेल सेक्शन। फिर कहते हैं कि LWR की गहरी स्क्रीनिंग डैश छोर से की जा सकती है, LWR की गहरी स्क्रीनिंग एक छोर से दूसरे छोर तक की जाती है, याद रखिएगा ए नंबर उसका सही होगा। फिर कहता है कि मंडल या जोनल प्रशिक्षण केंद्र द्वारा जारी किए गए योग्यता प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि 5 वर्ष तक मान्य रहता है, या तो अगर मंडल से या जोनल से प्रशिक्षण केंद्र की का जो योग्यता जो होते हैं ट्रेनिंग में, तो वो कितने साल के होते हैं, 5 साल के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि SWR रेल पथ में गार्डर पर दोनों ओर से 10 मीटर के भीतर कोई भी फिश प्लेट जोड़ स्थित नहीं होना चाहिए। तो देखिए 1460 नंबर का जो क्वेश्चन ये है, 1460 नंबर का, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका 6 मीटर होना चाहिए। तो कहते हैं LWR रेल पथ में गार्डर ब्रिज के दोनों ओर 6 मीटर के भीतर में कोई फिश प्लेट नहीं होना चाहिए, कहाँ पे, गार्डर के दोनों ओर पुल पे, समझिए क्या। फिर कहते हैं पटरी में फ्रैक्चर रेल झलाई विफलता के समाधान के दौरान अस्थायी समाधान के लिए 10 मीटर पटरी की न्यूनतम लंबाई आवश्यकता होगी, तो ये जो है इसका जो उत्तर होता है 4 होता है, 4 मीटर याद रखिएगा।
फिर कहते हैं अनुरक्षण अवधि के दौरान जब तापमान टीडी पर 20 डिग्री से अधिक हो जाता है तो चौकीदार तैनात किया जाता है, तब कौन सा? तो इसमें मोबाइल चौकीदार तैनात किए जाते हैं, मोबाइल चौकीदार याद रखिएगा। फिर कहते हैं जब भी LWR CWR फिश प्लेटेड का रेल पथ LWR अनुरक्षण किया जाता है तो SAG पर कम से कम डैश के लिए LWR CWR के समान रेल पथ संरचना जारी रखेंगे। तो ये 39 मीटर जो है इसका सही उत्तर हो जाएंगे। किसके लिए पूछा गया? देखिए LWR CWR के लिए पूछे गए हैं। फिर देखते हैं, फिर कहते हैं कि सर्दियों के मौसम में गश्त के दौरान गश्त करने को डैश देखना चाहिए, सर्दियों के मौसम में क्या क्या देखना चाहिए, ये क्वेश्चन इसे पूछा। इस पर ऑप्शन ही देखिए नहीं दिया गया है, तो इसमें वेट फेल्योर देखते हैं। फिर हम बता देते हैं कि सर्दी के मौसम में जो कीमेन रहते हैं वो क्या क्या देखते हैं, तो वेल्ड फेल्योर देखते हैं, रेल ब्रेकिंग देखते हैं, ये दोनों उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर कहता है कि गर्मियों के मौसम में गश्त के दौरान गश्त करने वाले को डैश देखना चाहिए, तो और इसमें क्या कहते हैं, सनकी के देखना चाहिए। मैन सबसे ये नंबर उत्तर इसका सही होगा। फिर कहता है कि CWR की अधिकतम लंबाई कितनी होती है, CWR की अधिकतम लंबाई कितना होते हैं, तो उसमें देखिए यहाँ पे CWR की अधिकतम लंबाई पूछे गए हैं, 100 मीटर, 300 मीटर, 1 ब्लॉक सेक्शन, तो CWR का ये नहीं होता, 1 ब्लॉक सेक्शन LWR का होते हैं, लेकिन यहाँ CWR का पूछे है इसलिए नहीं होगा, इसका डी नंबर उत्तर से इसमें से कोई नहीं होगा। फिर लंबी दूरी के लिए स्लीपरों और फास्टिनों के कैजुअल नवीकरण करने हैं तो नवीकरण करवाने के लिए स्टाफ सुपर या सुपरवाइजर का सबसे निचला स्तर क्या होगा? देखिए लंबी दूरी स्लीपर के फास्टनिंग कैजुअल नवीकरण ये कौन करवाएगा? तो ये देखिए करवाने जो होता है ये ही होते हैं। तो मध्य भाग के दोनों ओर रेल पथ की लंबाई द्वारा मूवमेंट दर्शाने को क्या कहा जाता है? तो मूवमेंट दर्शाने को क्या कहा जाता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन ने पूछा गया LWR में, उसको ब्रीथिंग लेंथ कहते हैं, सी नंबर। फिर कहते हैं यहाँ कि पॉइंट क्रॉसिंग, पॉइंट क्रॉसिंग सहित यार्ड से होकर गुजरने वाले लंबी झलाई वाले रेल पथ रेल पासों को कहा जाता है, तो इसको देखिए यहाँ पे पॉइंट तक क्रॉसिंग सहित यार्ड से होकर गुजरने वाले को इसमें CWR कहते हैं, जो आप पॉइंट क्रॉसिंग से स्प्रॉन्ग क्रॉसिंग यार्ड से होकर गुजरते हैं उसे CWR कहते हैं। प्रभावित LWR के दोनों ओर बकलिंग स्थान से न्यूनतम 10 मीटर रेल पथ के शीघ्र अतिशीघ्र डिस्टेंसिंग किया जाना चाहिए। 470 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रभावित LWR के दोनों ओर बकलिंग के स्थान से न्यूनतम, बकलिंग के स्थान से न्यूनतम पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 500 मीटर, 500 मीटर रेल पथ के शीघ्र अतिशीघ्र डिस्टेंसिंग किया, जहाँ पे बकलिंग होता है तो दोनों ओर कितना डिस्टेंसिंग किए जाते हैं, तो 500 मीटर इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि LWR या CWR में थर्मल बल के लिए फार्मूला क्या है, LWR या CWR में थर्मल बल का फार्मूला क्या है? तो देखिए LWR CWR में थर्मल बल का यहाँ पे फार्मूला पूछा गया है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, थर्मल बल का फार्मूला क्या रहता है। तो देखिए यहाँ पे जो ये वाला डी नंबर उत्तर है ये सही हो जाएगा, पी बराबर ई अल्फा टी ए सही उत्तर हो जाएगा। फिर कहते हैं LWR CWR के छोर पर विस्तार संकुचन की अनुमति के लिए डैश प्रदान की जाती है, LWR CWR के छोर के लिए विस्तार संकुचन के लिए डैश, तो ये देखिए SAG बढ़ना, रेल जब बढ़ता है घटता है, ठंड के दिन में क्या होता है सूखड़ जाते हैं, गर्मी के दिन में क्या फट जाते हैं, उसके लिए क्या करते हैं SAG बिछाते हैं, वहाँ पर क्या है मुँह खुला बाहर रहते हैं, इसे कुछ नहीं होता। यदि LWR के ब्रीथिंग LWR की लंबाई पुल के केंद्र रेखा सिमेट्रिकल हो तो बिना ब्लास्ट वाले डेक के साथ गार्डर पुल के ऊपर SWR को 10 मीटर में खोला जाना चाहिए, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 13.13 मीटर इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो ग्रीन जोन के नीचे तापमान इंगित करते हैं, तो ग्रीन जोन के नीचे तापमान क्या इंगित करते हैं? तो बताइए कि ग्रीन जोन है तो सर्दी के ग्रीन में क्या होता है, सर्दी के मौसम वाले गश होता है। फिर यहाँ पे रेड जोन के तापमान, रेल थर्मामीटर में रेड जोन का तापमान का क्या काम होता है? रेड जोन का गर्मी में गश्त करना होता है, ये सर्दी में अगर ग्रीन रहे तो ग्रीन में सर्दी में, देखिए ग्रीन जब रहता है हरा हरा भरा, कब सर्दी में धूप में क्या पत्ते सूख जाते हैं, ऐसे भी ट्रिक से याद रखिए, सर्दी अगर ग्रीन रहे तो समझ लीजिए अगर सर्दी है पानी वो पानी वानी देते हैं तभी ना झाड़ मतलब से ग्रीन रहता है, सर्दी ऐसे याद रखिएगा। रेल तब रेड में क्या होता है, रेड कैसा, रेड का आकार कैसा होता है, गर्म गर्म करने क्या होता है रेड रहता है, तो रेड जोन में गर्मी में गश्त आराम किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि ग्रीन जोन में तापमान इंगित करता है, ग्रीन जोन में तापमान क्या इंगित करते हैं? तो यहाँ पे देखिए LWR और CWR में कार्य करने की अनुमति दे सकते हैं अगर ग्रीन जोन रहे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि ग्रीन जोन और रेड जोन के बीच के तापमान को क्या करते हैं? तो कोई अगर ग्रीन जोन और रेड जोन का कार्य रहे तो
तो कोई कार नहीं करना चाहिए अगर ग्रीन जोन रेड जोन के अंदर में रहे तो। फिर कहते हैं LWR या CW का स्थापना या बाद के चरणों में इनकी बनावट के बदलाव प्रत्येक रेल पथ में, तो ये क्या हो जाएगा इसका उत्तर, इसका RDSO इसका सही उत्तर होते हैं। फिर यहाँ पे कहते हैं कि LWR या CW को वर्टिकल कर्व पर रखा जा सकता है जब दो ग्रेटों के बीच बीजगणितीय अंतर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये 4 mm/m जो होता है ये बीजगणितीय अंतर आपको याद रखना है। फिर कहते हैं कि LWR CWR में डिस्टेंसिंग की आवश्यकता डैश से बचाव के लिए की जाती है, तो देखिए LWR CWR में बकलिंग और फ्रैक्चर से बचाया जाता है। डिस्ट्रेसिंग करने से क्या होता है, बकलिंग और फ्रैक्चर से बचता है रेल, याद रखिएगा। डिस्ट्रेसिंग करने से क्या होता है, बकलिंग और फ्रैक्चर से बचाता है डिस्ट्रेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमा के बीच रेल का तापमान होने पर फास्टनिंग के नवीकरण का कार्य किया जा सकता है, तो नवीकरण का कार्य जो करते हैं TD+10° और TD-30°C, इसका सही उत्तर होते हैं। देखिए आज के LWR के अंतिम क्वेश्चन है, मैंने 100 क्वेश्चन टोटल करा दिए हैं। देखिए पटरी के खराब के नवीकरण के लिए निचले स्तर का पर्यवेक्षक, निचले अक्षर के कर्मचारी पर्यवेक्षक कौन है, पटरी के खराब पटरी के नवीकरण के लिए निचले स्तर के कर्मचारी या पर्यवेक्षक कौन है, तो बताइए ये कौन है, तो ये है JEE है। क्वेश्चन क्या कहता है, अगर खराब पटरी है और उसको बदलना है, खराब पटरी के बदलने के लिए कौन सा होना चाहिए, कर्मचारी होना चाहिए पर्यवेक्षक होना चाहिए, तो JEE होना चाहिए इसका सही उत्तर। दोस्तों मैं एक क्वेश्चन आपको पूछूंगा, जो भाई वो क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा और लकी ड्रॉ होगा, तो उसको मैंने मैनुअल इंग्लिश मैनुअल का जो मैं पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया हूँ PDF में, वो PDF आपके सेंड कर दिया जाएगा। तो मेरा आज का क्वेश्चन है कि ग्रीन जोन में तापमान इंगित करता है, देखिए ग्रीन जोन में तापमान इंगित करता है, मैं 4 ऑप्शन बोलता हूँ, वो 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन है, ग्रीन जोन में तापमान इंगित करता है, तो देखिए उसमें क्या इंगित, मैं क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ, इसका उत्तर क्या होगा बताना है आप लोगों को। देखिए ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है 476 नंबर के, ग्रीन जोन में तापमान इंगित करता है, 4 ऑप्शन है, सर्दी में मौसम वाली गश्त, गर्मी में गर्मी के मौसम वाली गश्त, विशेष ध्यान LWR CWR में कार्य करने की अनुमति दे, तो आपको ये 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है आप कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य ही बताइएगा। अगर आप लकी ड्रॉ हो जाएंगे तो आपको मैं मैनुअल की फ्री PDF दे देंगे, वो काफ़ी सही है, वो पूरा संशोधित किया हुआ है JEE PW के द्वारा, इतना तक कि ADN से भी हम लोग सही चेक करवा लिए हैं वो PDF को, एक भी क्वेश्चन उसमें गलती नहीं है, आप लोग को वो PDF हम फ्री में दे देंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन का मेरा आंसर देना होगा। आप मेरे पूरे वीडियो को देखिए, हम लोग जान जी से LDC का सिलेबस कवर कराने वाले हैं, हम लोग 4 से 5 लड़का का ग्रुप है, काफ़ी मेहनत के साथ हम लोग क्वेश्चन तैयार करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को धन्यवाद।